नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 2 अक्टूबर। आप सभी देशवासियों को गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में लगातार हो रही बारिश पर प्रधानमंत्री मोदी ने की नीतीश कुमार से बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में लगातार हो रही बारिश से उत्पन्न हुए बाढ़ के हालात पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर बात की है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को हर संभव मदद देने की बात कही है। पीएम ने ट्वीट कर कहा है, केंद्रीय एजेंसी स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पटना शहर एवं उसके आसपास के बारिश और जल जमाव से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया है। बिहार में बारिश से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सरकार ने जारी की राहत कोष। पिछले दिनों बिहार के सर्वाधिक जिलों में हुए लगातार बारिश के कारण आम जनजीवन को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बिहार सरकार ने लोगों से ऐसे प्रभावित क्षेत्रों और परिवारों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के तहत मदद मुहैया करवाने की अपील की है, जहां www.cmrf.bih.nic.in पर जाकर लोग अपनी इच्छा अनुसार प्रभावित लोगों के लिए राशि दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप चेक, बैंक ड्राफ्ट, NEFT, RTGS से मुख्यमंत्री राहत कोष के खाता संख्या 20651004000225, IFSC कोड IBKL0002065, बैंक IDBI ब्रांच किदवईपुर पटना में दान राशि स्थानांतरित करवा सकते हैं। अगले 2 दिनों तक बने रह सकते हैं बारिश के आसार। लगातार 4 दिनों के बारिश के बाद जहां लोगों ने पिछले दिनों बारिश ना होने से राहत की सांस ली है, वहीं अभी भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। आज से अगले 2 दिनों तक जिले में हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे, जिसके कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि होगी। वहीं रविवार की सुबह 8 बजे से सोमवार की सुबह 8 बजे तक जिले में 449.20 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 102.04% अधिक है। प्रखंडों में सबसे अधिक नारायणपुर प्रखंड में 324.20 मिलीमीटर बारिश हुई है। जल जमाव से परेशान रोड पर खड़े सुशील कुमार मोदी पर चुटकी लेते दिखे लालू और तेजस्वी। हाल ही में बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को NDRF की टीम ने भारी बारिश के कारण बाहर निकाला है। दरअसल सुशील कुमार मोदी अपने ही आवास में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से घिरे थे, जिस पर राजद के मुखिया लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने चुटकी लेते हुए कहा, बिहार में इतना विकास कर दिए हैं कि अब सुशील अपने और नीतीश के 15 बरस के विकास के साथ सड़क पर खड़े हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि पटना वासियों ने 35 वर्षों से सुशील मोदी और उनकी पार्टी को सभी चुनाव में जिताया है। ये खुद 15 वर्ष से सरकार में नगर विकास मंत्री रहे हैं। अगर इन्होंने ड्रेनेज का फंड काम में लगाया होता तो आज इस अवस्था में ना होते। LPG हुआ 14 रुपए महंगा। तेल एवं गैस कंपनियों ने LPG की कीमत में बढ़ोतरी की है। 14.2 किलो का बिना सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर अब 698 रुपए में मिलेगा। अब तक इसकी कीमत 684 रुपए थी, यानी कि कुल 14 रुपए की वृद्धि की गई है। 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर भी 23.50 रुपए महंगा हो गया है, जिसके बाद ये कमर्शियल सिलेंडर अब 1271.50 रुपए में मिलेगा। उपचुनाव के मद्देनजर आखिरी दिन भरे गए 55 नामांकन। बिहार में आगामी उपचुनाव, जिसमें लोकसभा की 1 और विधानसभा की 5 सीटों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन पर कुल 55 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। लोजपा सांसद रामचंद्र पासवान के हाल ही में गुजर जाने के कारण रिक्त हुई है। वहीं नाथनगर, किशनगंज, सिमरी, बख्तियारपुर, दरौंदा और बेलहर विधानसभा सीट यहां के विधायकों के लोकसभा के लिए निर्वाचित होने पर रिक्त हुई थी। बारिश के कारण पटना का उच्चतम तापमान पहुंचा सामान्य से नीचे। बिहार के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश के कारण पटना का उच्चतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 1 डिग्री कम दर्ज किया गया है। पटना का उच्चतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस है। इसकी वजह है से वातावरण में सोमवार को भी ठंडक महसूस की गई। 2 दिनों के बाद ट्रेन का परिचालन भी हुआ सामान्य। बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश के बाद दानापुर रेल मंडल क्षेत्र में ट्रेन परिचालन ठप हो गया था। अब पिछले 2 दिनों से बारिश के राहत के बाद पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म से पानी निकाल लिया गया है और RRI सिस्टम चालू कर दिया गया है। इसे जंक्शन के सभी 10 प्लेटफॉर्म चालू करते हुए ट्रेन परिचालन सामान्य कर दिया गया। आपको बता दें, पटना जंक्शन से सोमवार को गुजरने वाली 9 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया था। पटना के बाजार समिति के फल कारोबारियों को 2 करोड़ का हुआ नुकसान।
बारिश के कारण हुए जलजमाव से सूबे का सबसे बड़ा फल मंडी के कारोबारियों को 2 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। जलजमाव के कारण मंडी में केला, सेब, अनार, मौसमी, नाशपाती पानी में डूबा हुआ है। केला तो पूरी तरह सड़ चुका है, सेब, अनार और नाशपाती पैकेट में बंद भी सड़ रहे हैं। लगभग हर दिन 60 से 50 ट्रक फल लेकर मंडी पहुंचता है, उससे अधिक माल पिछले 3 दिनों से ट्रक में पड़ा है। बंद पड़े होने के कारण वह भी खराब होना शुरू हो गया है। दरअसल पूजा को लेकर कारोबारियों ने अधिक माल का ऑर्डर दिया था, अगर 1-2 दिन में पानी का निकास नहीं हुआ तो कारोबारी रोड पर आ जाएंगे। राजेंद्र नगर में ट्रैक्टर से पहुंचे पप्पू यादव। जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव ने भारी बारिश से जलमग्न पटना के राजेंद्र नगर इलाके में ट्रैक्टर से राहत सामग्री का वितरण लोगों के बीच किया। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि हम पटना के सभी नागरिकों के साथ हैं, लोगों को मदद करने की जरूरत है, इसीलिए हम पूरी देश की जनता से अपील करते हैं कि वह मदद के लिए आगे आए। इसके साथ ही पप्पू यादव ने यह भी साफ किया है कि ऐसे हालात में राजनीति के बजाय सभी को प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचानी चाहिए। एनडीआरएफ के 5 दल किए गए तैनात। एनडीआरएफ के जानकारी के मुताबिक पटना में जलमग्न इलाकों में महिलाओं और बच्चों सहित 4000 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। एनडीआरएफ के एक प्रवक्ता ने बताया कि उसने शहर में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए 5 दल तैनात किए हैं और प्रत्येक दल में 45 जवान हैं। बल ने सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि राजधानी और आसपास के इलाकों जैसे राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, पत्रकार नगर, हनुमान नगर और मलाही पकड़ी में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि पटना बाढ़ जैसी स्थिति से सर्वाधिक प्रभावित स्थान है। भारी बारिश के कारण जलजमाव पर राजनीति हुई शुरू। बिहार में लगातार हुए बारिश के कारण हुए जलजमाव पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। इस साल की बारिश ने नगर निगम और प्रशासन की असलियत सामने लाके रख दी है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि बिहार जिस स्थिति से गुजर रहा है वह प्राकृतिक नहीं बल्कि सरकार जनित आपदा है, जिसके बाद उन्होंने मांग की है कि राज्य सरकार को पिछले 15 साल में शहरी विकास और सीवरेज सिस्टम पर किए गए खर्च का श्वेत पत्र जारी करे। साथ ही साथ तेजस्वी ने यह भी कहा है कि अब तो मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को इस समस्या के लिए जवाहरलाल नेहरू और लालू प्रसाद यादव के साथ मुगल शासन को ही इसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए। आनंद फानंद में नगर निगम अधिकारियों ने बुलवाया पुराने अधिकारियों को। बिहार में हुई झमाझम बारिश ने जहां एक ओर आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है, वहीं दूसरी ओर जगह जगह जलजमाव और पानी की समस्या ने नगर निगम के चेहरे पर जमी विकास नामक धूल को भी बहा दिया है। सालों से करोड़ों रुपए सड़क निर्माण, ड्रेनेज की दुरुस्ती के नाम पर लोगों से लिए गए हैं, मगर असलियत तो खुल के सामने आ ही गई। इसके बाद जब पूरी राजधानी पानी में डूबी है तो अब जाकर सरकार की नींद खुली है। नगर विकास विभाग ने आनंद फानंद में पटना नगर निगम के पुराने जानकार अधिकारियों को पटना बुलवाया है। पटना नगर निगम के पूर्व अपर नगर आयुक्त रहे विशाल आनंद समेत 11 नगर प्रबंधकों को पटना नगर निगम में प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्हें तत्काल पटना में योगदान का आदेश दिया गया है। अरविंद केजरीवाल पर बरसे गिरिराज सिंह। एनआरसी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद दिल्ली बनाम बाहरी पर छिड़ी बहस अभी थमी ही नहीं थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक और बयान पर बवाल उठ गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर केजरीवाल पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि पूर्वांचलियों को गाली देकर राज ठाकरे अपना राजनीतिक अस्तित्व मिटा चुके हैं, अब पूर्वांचलियों को गाली देकर अगले चुनाव में केजरीवाल अपना राजनीतिक अस्तित्व मिटा लेंगे। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि पूर्वांचली अपनी मेहनत और अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करते, हमने दशकों से दिल्ली को सींचा है, यहां हमारा अधिकार है। मदद के लिए सामने आए बिहार के मशहूर कलाकार। बिहार में भारी बारिश के कारण उत्पन्न हुई स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। ऐसे में पानी में डूबे पटना और बिहार के दूसरे जिलों के लोगों की मदद के लिए अब बिहार फिल्म स्टार्स सामने आए हैं और लोगों से मदद करने की अपील की है। बिहार के रहने वाले 2 सिने स्टार्स मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी ने सोशल नेटवर्किंग साइट की मदद से लोगों से ये गुहार की है, जिसके बाद काफी लोग बिहार में आई बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। बिहार की मदद के लिए मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद देने की भी अपील की है। बिहार
बिहार में अब शुरू किया जाएगा बालू खनन। एनजीटी ने हटाई रोक। बिहार में एनजीटी की रोक खत्म कर दी गई है, जिसके पश्चात अब बालू का खनन शुरू हो गया है। एनजीटी के आदेश पर हर साल 30 सितंबर तक बालू खनन पर रोक रहती है। नदी का रास्ता बनाने में लगभग एक सप्ताह का समय लग सकता है। हालांकि बिहार में नदियों के जलस्तर और पानी को देखते हुए बालू खनन के कार्य में थोड़ा विलंब हो सकता है। इधर बिहार सरकार ने बालू खनन को लेकर नई नीति लाई है। बालू पर किसी एक कारोबारी का साम्राज्य ना रहे, इसके लिए अगले 5 सालों के लिए सभी जिलों में बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बारिश के कारण बापू के 150वीं जयंती पर आयोजित सभी कार्यक्रम हुए स्थगित। महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के मौके पर बिहार सरकार ने कई कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारी की थी। सरकार ने शिक्षा, पर्यटन और कला सांस्कृतिक विभाग की ओर से 2 और 3 अक्टूबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम मौसम की ऐसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने समारोह के आयोजन में फेरबदल की है। मुख्यमंत्री के एडवाइजर अंजनी कुमार सिंह ने इस बात की पुष्टि की है। भागलपुर के बेटे गोपाल ने केले के तने का रिसर्च में ढूंढ निकाला ईंट का गुण। 19 साल के गोपाल को 14 साल की उम्र में यंगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया के खिताब से नवाजा जा चुका है। बता दें कि गोपाल का नासा से भी बुलावा आ चुका है, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया है। उन्हें अभी अपने देश, अपने आविष्कारों से नोबेल प्राइज के लिए काम करना है, जिसे उन्होंने केले के तने से फाइबर एवं नैनो फाइबर बनाया, जिसके नैनो फाइबर तरल पदार्थ को सोखने में कामगर है। यही वजह है कि इससे बनी हुई ईंट पानी में कभी नहीं डूबेगी। इसका नाम फ्लोटिंग ब्रिक्स दिया गया है। इस ईंट से बनी हुई घरें आमतौर से अधिक ठंडक देने वाली होंगी। पिछले 58 सालों का मॉनसून का रिकॉर्ड टूटा। मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून सीजन के खत्म होने के बावजूद मॉनसून अभी भी सक्रिय रहेगा। उत्तर भारत से इसके छटने की शुरुआत 10 अक्टूबर से होगी। इस बार मॉनसून 40 दिनों तक अधिक सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार इससे पहले 1961 में 1 अक्टूबर को मॉनसून छटना शुरू हुआ था, जबकि दूसरा रिकॉर्ड 2007 का है, जब मॉनसून 30 सितंबर से छटने लगा था। मॉनसून के छटने में देरी को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के रूप में भी देखा जा रहा है। विभाग के अनुसार इस बार सामान्य से 110% बारिश हुई है। सीने पर कलश रखकर 9 दिनों तक करते हैं उपवास। नवरात्रि के शुभ अवसर पर श्रद्धालु 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे में आस्था के अलग अलग रूप का दिखना भी स्वाभाविक है। ऐसी ही कुछ कहानी है न्यू सचिवालय स्थित नौलखा मंदिर में माँ दुर्गा की पूजा करने वाले नागेश्वर बाबा की। नागेश्वर बाबा पूरे 9 दिनों तक लगातार अपने सीने पर 21 कलश को रखते हैं। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के रहने वाले बाबा नागेश्वर की माने तो माँ का आशीष है कि ये कठिन साधना हो पाती है। आपको बता दें 1996 से बाबा नागेश्वर हर साल अपने सीने पर कलश स्थापित कर नवरात्रा में माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। पहले साल उन्होंने सीने पर 1 कलश रखा था, बाद में कलशों की संख्या में बढ़ोतरी होती गई। फरक्का बराज खुलवाने पर सियासत हुई तेज। बिहार में बाढ़ जैसे हालात के उत्पन्न होने के बाद अब सियासी महकमे में हलचल शुरू हो गई है। राजद के एक वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने बिहार सरकार पर तंज कसते हुए पूछा है कि सरकार ये साफ करे कि बराज किसने खुलवाए, क्योंकि दोनों की ओर से जारी किए गए डेटा काफी अलग हैं। जहां एक ओर नीतीश कुमार 109 बराज खुलवाने का दावा कर रहे थे, तो वहीं रविशंकर प्रसाद अब 119 बराज खोलने की बात कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग जानकारी से आम जनता के बीच उलझन उत्पन्न हो गई है। नीतीश कुमार बिहार के पहले और देश के 18वें पावरफुल इंडियन बने। केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल में इंडियन एक्सप्रेस ने वर्ष 2019 में देश के सबसे शक्तिशाली भारतीयों की 100 लोगों की एक सूची तैयार की है। देश के सशक्त 100 लोगों को इस सूची में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार से पहले पायदान पर हैं। वह बिहार के पहले और देश के 18वें शक्तिशाली भारतीय हैं। वहीं दूसरे स्थान पर केंद्रीय कानून मंत्री व बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद हैं, जिन्हें सूची में 20वां स्थान मिला है। कांग्रेस ने बारिश प्रभावित क्षेत्रों में बांटी राहत सामग्री। बारिश प्रभावित क्षेत्रों में कांग्रेस राहत बचाव कार्य में जुट गई है। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, ब्रजेश पांडे और आनंद माधव समेत पार्टी के कई नेता कुर्जी के पास से नटका दियारा इलाके में राहत सामग्री का वितरण किया। मौके पर पहुंचे मदन मोहन झा ने कहा कि हम इस आपदा की स्थिति में पटना के सभी नागरिकों के साथ हैं। लोगों को मदद करने की जरूरत है, इसीलिए हम पूरी देश की जनता से अपील करते हैं कि वे मदद के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि पटना को सिर्फ 2 दिनों की बारिश के बाद ऐसा देखूंगा सोचा नहीं था। 80% शहर पानी में डूबा हुआ है। बारिश के बाद पटना के पूजा पंडालों का काम हुआ शुरू। इन दिनों झमाझम बारिश होने के बावजूद भी सभी एरिया में नवरात्र व दुर्गा पूजा की तैयारी होनी शुरू हो चुकी है। कई पंडालों की रौनक फिर से वापस लौट आई है। खासकर जिन जगहों पर पंडाल बन रहे हैं, वहां जोर शोर से काम शुरू हो गया है।
इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच में ऋषभ पंत नहीं होंगे विकेटकीपर। विशाखापट्टनम में खेले जाने वाले 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच से एक दिन पहले विराट कोहली ने यह साफ कर दिया है कि इस टेस्ट सीरीज में ऋषभ पंत बतौर विकेटकीपर नहीं खेलेंगे। पंत की जगह रिद्धिमान साह बतौर विकेटकीपर इस टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।